हेलो दोस्तों, गेट स्मैशेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ सीएसपी प्रॉब्लम्स आर सॉल्व, मतलब सीएसपी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा एल्गोरिदम यूज करते हैं, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो गाइज, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, एंड प्लीज लाइक माई वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया, एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं सीएसपी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो हम एल्गोरिदम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम या बैक ट्रैकिंग मेथड हम यूज करते हैं। तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि बैक ट्रैकिंग तो हम डेप्थ फर्स्ट सर्च में भी यूज करते हैं। यस, डेप्थ फर्स्ट सर्च में जो बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं वही सेम है, लेकिन इसमें हम यूज करते हैं इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग। अब ये इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग का फंडा क्या है, या इंटेलिजेंटली हम कैसे बैक ट्रैकिंग करते हैं, ये आपको एग्जाम्पल से जो है यहां पर क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल में हमने यहां पे लिया है कंस्ट्रेंट ग्राफ। कंस्ट्रेंट ग्राफ मतलब हमने यहां पे ग्राफ लिया और इस ग्राफ को हमने क्या करना है, कलरिंग करनी है। अब कलरिंग के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये ग्राफ में मेरे पास वेरिएबल, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेसिक है वो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें, क्योंकि उसमें हमने बेसिक सीएसपी के बारे में सारा जो है वो एक्सप्लेन किया। तो यहां पे मेरे पास जो वेरिएबल है, सेट ऑफ वेरिएबल्स है 1, 2, 3, 4 जो है यहां पे इस ग्राफ के नोड वर्टेक्स। दूसरा हमारे पास डोमेन, डोमेन में हम क्या ले रहे हैं, रेड ग्रीन एंड ब्लू, मतलब मुझे हरेक वर्टेक्स को एक कलर देना है, लेकिन डोमेन क्या है, डोमेन मतलब कि कलर कौन सा हो सकता है, इन तीनों में से कोई भी कलर हो सकता है, 1 के लिए भी 2 के लिए भी 3 के लिए भी 4 के लिए भी। लेकिन थर्ड चीज जो कि इंपॉर्टेंट है वो है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यहां पे क्या है कि जो नेबर नोड है, मतलब जो नेबर वर्टेक्स है उनका कलर अलग होना चाहिए, उनका कलर सेम नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कैसे किया, या मैंने रिप्रेजेंट यहां पे कैसे किया, 1 not equal to 2, मतलब 1 और 2 का कलर सेम नहीं होगा, 1 and 3 का सेम नहीं होगा, 1 and 4 का, क्योंकि 1 के तीनों ये क्या है, नेबर्स हैं। 2 की बात करें तो 2 का 1 के साथ नहीं होगा, यस, 2 का 4 के साथ इक्वल नहीं होगा, यस, 2 का 3 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 2 और 3 आपस में नेबर्स नहीं है। ऐसे अगर हम 4 की बात करें तो देखो 4 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, 4 2 के बराबर भी, 4 3 के बराबर। तो यहां पे मैंने ये सारे कंस्ट्रेंट जो है वो यहां पे लिख दिए। तो इस तरीके से हम कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हमने कैसे स्टार्ट करना है। जनरली जो स्टेट स्पेस है, स्टेट स्पेस में हम क्या करते हैं, जो हमारी जो भी इनिशियल नोड है, इनिशियल से हम क्या करते हैं, लेट से मैंने पहले को रेड कलर दिया, या मैं पहले को ग्रीन दे सकता हूं, या मैं फर्स्ट को ब्लू दे सकता हूं, फिर उसके बाद हम बेस्ड ऑन दैट हम अपनी जो सर्च स्पेस है, जो स्टेट स्पेस है, उसको आगे आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यहां पे हम यूज कर रहे हैं मेथड सीएसपी को सॉल्व करने के लिए, इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग मेथड। तो उसमें हमने यहां पे सिंपल वे से मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो यहां पे मैंने क्या लिया, 1, 2, 3, 4, ये चारों मेरे पास क्या है, वर्टेक्स है। इनिशियल डोमेन सबसे पहले आप लिख लो, इनिशियल डोमेन मतलब 1 को आप इनिशियली कौन सा कलर दे सकते हो, तीनों में से कोई भी दे सकते हो। तो मैं यहां पे आरजीबी लिख रहा हूं, मतलब रेड ग्रीन ब्लू में से आप कोई भी दे सकते हो। तो 2 को भी आप तीनों में से कोई भी, 3 को भी तीनों में से कोई भी, 4 को भी तीनों में से कोई भी कलर जो है वो इनिशियली दे सकते हो। अब आपको करना क्या है, लेट्स से सबसे पहले मैंने चूज कर लिया कि मैं 1 को दे रहा हूं रेड कलर, मतलब अगर मैं 1 को रेड कलर दे रहा हूं तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि 1 का कलर कौन सा हो गया, रेड। अब 2 की बात करें तो अगर 1 का रेड कलर है तो 2 का रेड नहीं हो सकता, 3 का रेड नहीं हो सकता, 4 का रेड नहीं हो सकता। तो यानी डोमेन में से आपके 2 कलर जो है वो बाहर आ जाएंगे, बाकी का जो 1 कलर था मतलब रेड कलर, वो यहां पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर आप यहां पे रेड लिखते हो तो आपका जो कंस्ट्रेंट है वो वायलेट हो जाएगा। तो हमने यही तो करना है कि जो हमारा कंस्ट्रेंट है उसको सेटिस्फाई करना है, यही हमारी जो है वो प्रॉब्लम है। तो हमने 1 को रेड दे दिया, मतलब 1 वर्टेक्स को रेड दे दिया कलर, तो बाकियों के लिए हमारे पास डोमेन क्या है, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू। अब यहां पर बात करें, लेट्स से मैंने 2 को क्या देता, 2 को मैंने दे दिया ग्रीन। अगर मैं 2 को ग्रीन दे देता हूं, लेट्स से 2 को मैं ग्रीन देता हूं, तो 1 का तो रेड ऑलरेडी हमने कर रखा है फिक्स, 2 के लिए मैंने ग्रीन कर दिया। अब देखो 3 के लिए कौन से कलर बचे, 3 के लिए मेरे पास ग्रीन भी है। देखो 1 को अगर आप रेड देते हो, 2 को अगर आप, लेट्स से मैंने ग्रीन सर्च किया, तो ग्रीन अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो 3 को ग्रीन दे सकते हो, यस 3 को तो ग्रीन दे सकते हैं क्योंकि आपस में नेबर नहीं है।
और 3 को आप ब्लू दे सकते हो, यस ब्लू तो अभी तक हमने दिया ही नहीं, तो ये भी दे सकते हो। 4 की बात करें तो 4 को आप रेड नहीं दे सकते, अब आप 4 को ग्रीन भी नहीं दे सकते, क्योंकि 2 एंड 4 आपस में क्या है, नेबर्स हैं, तो यानी इसके लिए एक ही बचा, दैट इज ब्लू, मतलब एक जो लीगल, इसको बोलते हैं हम लीगल, जो इनिशियल थे वो मेरे पास क्या है, सारे इनिशियल में मेरे पास तीनों थे, लेकिन अब मेरे पास लीगल जो है वो क्या है, 4 के लिए लीगल कौन सा कलर बचा, ब्लू, 3 के लिए लीगल है ग्रीन एंड ब्लू। तो अब हम लेट्स से मैं 3 को दे देता हूं ब्लू, 3 को मैंने ब्लू जो है वो दे दिया, तो पहले के लिए मेरे पास रेड जो है ऑलरेडी फिक्स था, 2 के लिए मैंने ग्रीन किया हुआ है, 3 के लिए मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया, ब्लू। अब 3 के लिए अगर मैंने ब्लू सिलेक्ट कर लिया, मतलब इसको मैंने अगर ब्लू कलर दे दिया, तो 4 देखो, 4 को ब्लू दे सकते हैं नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहां पे 4 के लिए कौन सा बच रहा है, ब्लू कलर ही तो यहां पे ऊपर से आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करें इसको मैं ब्लू कलर दे सकता हूं, नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा कंस्ट्रेंट जो है वो वायलेट हो जाएगा, तो यानी यहां पे मेरे पास क्या है, एम्प्टी वैल्यू आ रही है, कोई लीगल कलर ही नहीं बचा, और अगर कोई लीगल कलर ही नहीं बचा तो यानी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी यहां पे। लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैकिंग यूज करनी पड़ेगी। जब हम बैक ट्रैकिंग करेंगे तो बैक ट्रैकिंग करते टाइम हम कहां पे जाएंगे, हम उस जगह पे जाएंगे जहां पे कॉन्फ्लिक्ट अक्कर हुआ है, यही इंटेलिजेंट का मतलब है। हमने जो नॉर्मल, हमारा जो नॉर्मल डीएफएस वो कैसे काम करता है, लेट्स से ये मेरे पास एक नॉर्मल ट्री है, उस ट्री में मेरे पास नंबर ऑफ नोड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट नोड्स इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही हैं। लेट्स से कि अगर मैं यहां पे नॉर्मल डीएफएस, जो हम पुराना डीएफएस नॉर्मल यूज करते हैं, उसमें लेट्स से अगर मैं इस पॉइंट पे जाके स्टक हो गया, तो हम क्या करते हैं, रीसेंट नोड पे जाते हैं, मतलब प्रीवियस नोड पे गए, यहां पे अगर मेरे पास कोई मूव है तो हम चलेंगे, अगर नहीं मूव तो फिर हम वापस जाएंगे, यहां पे अगर मेरे पास मूव है तो चलेंगे, नहीं मूव तो फिर हम बैक ट्रैक करेंगे। इस तरीके से बैक ट्रैक एक एक करके करते जा रहे हैं। लेकिन यहां पे हम क्या करेंगे, लेट्स सी अगर यहां पे कोई प्रॉब्लम अक्कर हो रही है तो हम डायरेक्ट उस पॉइंट पे जाएंगे जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अक्कर हुआ है। तो ऑब्वियसली यहां पे मेरा क्या हो रहा है, टाइम एफिशिएंट है, ये एक्चुअल में टाइम एफिशिएंट, क्योंकि हम डायरेक्ट उसी प्रॉब्लम पे जा रहे हैं, उस जगह पे जा रहे हैं जहां पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट अकर हो रहा है, हम उसको क्या करेंगे, अब कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कॉन्फ्लिक्ट कहां पे अकर हो रहा है, जब हमने 3 को क्या दिया, ब्लू कलर दिया, क्योंकि 3 के लिए मेरे पास 2 कलर थे, ग्रीन एंड ब्लू, और अगर मैंने उनमें से ब्लू दिया तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, और इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो जब मैं बैक ट्रैक करता हूं तो मैं 3 के लिए क्या कर देता हूं, लेट से अब मैं 3 के लिए कर देता हूं ग्रीन कलर फिक्स कर देता हूं। अगर मैं 3 के लिए ग्रीन कलर देता हूं तो यहां पे मेरे पास 3 के लिए क्या बचा, ग्रीन कलर जो है वो दे दिया, और तो फिर 4 के लिए क्या बचा, 4 के लिए ऑब्वियसली ब्लू जो है ऊपर से पहले ही था, अब उसको मैंने एज इट इज जो है वो ब्लू कलर यहां पे लिख दिया। तो इसको मैंने 3 को क्या दिया, अब 3 को मैंने दिया ग्रीन कलर और 4 को मैंने क्या दिया, ब्लू। तो देखो यहां पे ग्राफ कलरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 के लिए रेड, ग्रीन, ग्रीन, ब्लू, फाइन, क्योंकि कोई भी नेबर्स यहां पे क्या है, सेम कलर के नहीं है। तो इस तरीके से जो है वो जल्दी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू द सीएसपी। तो यहां पे याद रखना, इंटेलिजेंट बैक ट्रैकिंग का फंडा जो हमने यहां पे यूज किया, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस, जो पुराना हम बैक ट्रैकिंग यूज करते हैं डीएफएस से, वहां पे हम एक एक करके जाते हैं, यहां पे हम डायरेक्ट उसी पॉइंट पे जाएंगे जहां पे मेरे पास प्रॉब्लम अक्कर हुई है, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट अक्कर हुआ है। सो इट इज अ टाइम एफिशिएंट। दूसरा, अगर हम यहां पे ह्यूरिस्टिक का यूज करते हैं, ह्यूरिस्टिक का लेट्स से अगर मैं यूज करता हूं, लेट्स से अगर मेरे पास ग्राफ इस तरीके से है, एक ग्राफ के अंदर मेरे पास लेट्स से 1 2 3 4 5 6 लेट्स से इस तरीके से मेरे पास एक स्टार ग्राफ है। अब मेरे पास यहां पे अगर मैं बात करूं, 2 कलर्स है, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन, और इसके लिए भी क्या है, रेड ग्रीन। तो लेट्स से कितने नंबर ऑफ नोड्स है, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, 2 raised to power 6, दैट इज 32 असाइनमेंट मैं दे सकता हूं, इसको रेड ग्रीन, इसको रेड ग्रीन। इस तरीके से अगर मैं देता हूं तो मेरे पास जो विदाउट इनफॉर्म्ड सर्च, विदाउट ह्यूरिस्टिक अगर हम बात करें, या अनइनफॉर्म सर्च की बात करें, या नॉर्मल स्टेट स्पेस की बात करें, तो मेरे पास 32 पॉसिबिलिटीज यहां पे बनती हैं अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल केस। लेकिन अगर मैं यहां पे ह्यूरिस्टिक यूज करता हूं, लेट्स से ह्यूरिस्टिक मैंने यूज किया कि जिसकी डिग्री सबसे ज्यादा है या जिसकी डिपेंडेंसी सबसे ज्यादा है उसको आप सबसे पहले कलर दे दो, लेट्स से किसकी डिपेंडेंसी या किसकी डिग्री सबसे ज्यादा है, इस वर्टेक्स की डिग्री सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये 1 2 3 4 5
वर्टिसेस से कनेक्टेड है। तो लेट्स से अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूं कि ये ले भैया तेरे को मैंने रेड कलर फिक्स कर दिया, तो इस केस में अगर मैं इसको रेड कलर फिक्स कर देता हूं तो बाकियों के लिए मेरे पास बाकी पांच जो वर्टेक्स है उनके लिए मेरे पास कितने पॉसिबिलिटीज बचती हैं? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, इसको ग्रीन 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 जो है कलर दे दो। मतलब 32 से मैं सिर्फ इसके पांच जो है वो वेरिएशन पे ले आया, पांच पॉसिबिलिटीज पे ले आया, मतलब इन पांचों को आप क्या दे दो, ग्रीन जो है वो कलर दे दो। तो यहां पे हम ह्यूरिस्टिक अगर हम यूज करते हैं और इंटेलिजेंट वे से अगर हम ह्यूरिस्टिक को डिफाइन करते हैं तो हम यहां पे टाइम एफिशिएंट भी है और यहां पे प्रॉब्लम्स को हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ सीएसपी प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सॉल्वड, कैसे एल्गोरिदम काम करता है। थैंक यू।